नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सबसे बड़ी खबर आ रही है, राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। देश में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश सनातन राष्ट्र है। बड़ी खबर, भारत एक सनातन और जीवंत राष्ट्र है। नया भारत मिथकों को तथ्यों में बदल रहा है। तो राजनाथ सिंह का ये बड़ा बयान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। उन्होंने आगे कहा कि गुलामी की मानसिकता छोड़ चुका है भारत, तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही है वो है, भारत एक सनातन राष्ट्र है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में वीके न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर मौजूद हैं। सर से समझने की कोशिश करेंगे कि राजनाथ सिंह के इस बयान के सर क्या मायने हैं, खासतौर पर तब जब वो देश के रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, समावेशी संस्कृति में सनातन शब्द का प्रयोग, जिस पर कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेता हमलावर होते हैं, तो अब ये क्लियर हो गया कि भारत जो है वो सनातन राष्ट्र के तौर पर ही पूरी दुनिया के साथ आगे बढ़ रहा है और समावेशी समाज के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सनातन में समावेशी समाज जो है वो बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकता है और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत। बहुत बड़ी बात कही है, जिस सनातन शब्द से बेसिकली कांग्रेस के नेता चिढ़ते हैं और वो उसको हिंदुत्व से और कट्टरता से जोड़ते हैं। राहुल गांधी इस संदर्भ में बयान भी दे चुके हैं कि आरएसएस संस्था जो है वो हर जगह हर एक संस्था पर कब्जा कर चुकी है, आपने ये बयान भी देखा होगा। तो मेरा अपना मानना है कि अब रक्षा मंत्री जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कम से कम वैचारिक स्तर पर कोई बात अगर कहते हैं तो उसका एक बड़ा महत्व है और उन्होंने ये बात कही है, तो इसके मायने अब साफ हैं कि सनातन शब्द से जिसको भी चिढ़ है, लेकिन इस देश के 140 करोड़ के आवाम जो है वो सनातन से अब नफरत नहीं करती, उसको इससे घृणा नहीं है और सनातन घृणा नहीं फैलाता। और दूसरी चीज़, सनातन का मतलब है कि ये जो परंपरा है, भारत का जो वजूद है वो सनातन है, जिसमें संस्कृति है, धर्म है और समूह, जाति, धर्म सब इसमें समाहित हैं, लेकिन उसकी जो प्राण है, उसका जो हृदय है वो सनातन है और उसमें हिंदुत्व जो है वो प्रमुख तौर पर उसको महत्व दिया जा रहा है। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं, लेकिन और धर्मों और संस्कृतियों को हम समावेशी रूप से आगे ले जा रहे हैं और यही सनातन की शिक्षा है। इसलिए राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया कि सनातन राष्ट्र है भारत। राष्ट्र शब्द का, देश शब्द का उपयोग नहीं किया, सनातन राष्ट्र की जो संकल्पना सनातनियों को है, कम से कम 100 करोड़ से अधिक सनातनियों को तो इस बात से खुशी होगी। लेकिन राजनाथ सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले जाएंगे, आलोचनाएं भी होंगी, लेकिन जो सनातन से प्रेम करते हैं और सनातन में भारत के अद्भुत विकास, अद्भुत रणकौशल और अद्भुत तरीके से सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की जो कला सनातन देता है, उसकी खासियत राजनाथ सिंह ने बताई। बेसिकली अब समय आ रहा है शिखर कि सनातन, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इसके सही मायने हर एक मंच से समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि भारत ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि वो पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है अपने सनातन होने का। और सनातन का मतलब होता है कि विश्व बंधुत्व के भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने देश में रहने वाला कोई समूह है, जाति है या कोई पूजा पद्धति अगर मानता है तो उसके लिए उसको सम्मान है, लेकिन सनातन की श्रेष्ठता की स्वीकारोक्ति है और वो राजनाथ सिंह ने स्वीकार कर लिया है। और वैसे भी सनातन कहता है वसुदैव कुटुंबगम की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं और सनातन में भी इस चीज़ की चर्चा होती है। सर, यहाँ पर एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव का जो माहौल है, सुगबुगाहट है, शुरू हो गई, बैठकें भी चालू हो गई हैं, इसके अलावा विधानसभा चुनाव जो है उसे भी लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। तो राजनाथ सिंह का इस तरीके से सनातन राष्ट्र कहना, 2024 से इसको जोड़कर किस तरीके से देख सकते हैं और क्या इससे जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर जो गठबंधन इंडिया बना है, वो इस पर भी आपत्ति कर सकता है? देखिए, अगर वो आपत्ति करेंगे तो इसका फायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो सनातन, उनके किसी भी नेता को सनातन से गुरेज ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री अब डिलीवरी पर विश्वास कर रहे हैं। सनातन की विचारधारा के साथ ही हम वसुदैव कुटुंबकम की विचारधारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें देश 2014 से अब तक विकास की राह में कितना आगे बढ़ा और कितनी तेजी से आगे बढ़ा, तो वो सनातन की सोच है। क्योंकि हमें सिर्फ भारत को ही नहीं देखना है, हमें पूरी दुनिया के लिए विश्वगुरु की भूमिका अदा करनी है, यही सनातन की मांग है। तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिससे कांग्रेस को विशेष चिढ़ है, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विकास
और साथ ही साथ अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी सोच और समावेशी समाज को लेकर के आगे बढ़ने की जो हमारी परंपरा है वो सब कुछ सनातन में समाहित है। और अगर हम इसको सामने रखते हैं और इसका विरोध अगर विपक्ष करता है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो देखना होगा कि सनातन को लेकर, सनातन राष्ट्र जिस तरीके का बयान राजनाथ सिंह ने दिया है, इसे लेकर अब विपक्षी पार्टियां किस तरीके से इस पर रिएक्ट करती हैं। बड़ी बात यहां पर यह भी है कि सनातनी परंपरा के साथ अब मुमकिन है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, उसी के साथ जो है अब ये देश जो है आगे बढ़ेगा। हालांकि अब देखना होगा इस पर रिएक्शन जो आएंगे उस पर फिर बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। सनातन को लेकर जो राजनाथ सिंह ने कहा है इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी जो भी राय हो उसे आप जरूर लिखें। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।